नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों ने आज सपीपुर में की एक अहम बैठक, जिसमें पत्रकारों के हितों की में हुई चर्चा। पूरा मामला नगर पंचायत सपीपुर का है। आज सपीपुर में पत्रकार संगठन का गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से अरविंद तिवारी को सपीपुर पत्रकार संगठन का अध्यक्ष बनाया गया तथा संगठन प्रभारी नैमिष विश्वकर्मा को बनाया गया संगठन उपाध्यक्ष, रजनीश आर्य संगठन महासचिव, मेराजुद्दीन सचिव, मुकुल गौड़ मीडिया प्रभारी, राहुल सैनी उपाध्यक्ष, पुनीत पाल सचिव, सादावली प्रभारी श्याम सिंह, सचिव विक्रम सिंह, सचिव अनवर को नियुक्त किया गया। संगठन पदाधिकारियों का स्वागत व सम्मान उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों ने माला पहनाकर किया और अध्यक्ष जी ने सभी पत्रकार भाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि हम पत्रकार भाई भारत के चौथे स्तंभ हैं। हम सभी संगठित होकर ही समाज में हो रहे अत्याचार को रोक सकते हैं और हम सभी एक होकर ही पीड़ितों को न्याय दिला सकते हैं। हम सभी को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। संगठन उपाध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि संगठन अनुशासन से चलता है, निस्वार्थ भाव से चलता है। हम सभी को कलम की ताकत से ही लड़ना है। पत्रकार के मान और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उपाध्यक्ष पुनीत पाल ने कहा कि पत्रकार को संगठन में जोड़ने से पहले ये जरूर देख लें कि वो पढ़ा लिखा है और अपने पद की गरिमा को समझता है और किसी सक्षम अधिकारी से बात करने में निपुण है या नहीं। मुकुल गौड़ सचिव ने कहा कि एकता में शक्ति होती है। हम पत्रकार बंधु एक होकर किसी से भी सामना कर सकते हैं। अगर हम एक साथ एक ही जगह होंगे तो हम सबको विरोध करने में आसानी होगी। तो जिसमें चर्चा हुई कल, और कुछ पदाधिकारी जो है नियुक्त किए गए हैं, जिनके बारे में अभी आप सबको जानकारी हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई बात ना करते हुए जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, आप सभी उनका सम्मान करिए और उनकी देख रेख में जो संगठन हो उसको आगे बढ़ाइए। ये हमारा भैया सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जो आज लाइव टीवी देखते हैं उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो हमारा जो है मुकुल भैया से निवेदन है कि आए, दादा का जो है स्वागत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मुकुल जी ने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो बनने एक चीज और कह रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा आप उनको सही से नोट कर लो। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।